आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज एचडी और मैं हूं सुबल ज़िया। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। रिपोर्ट करते हैं राना नदीम आफ्ताब नदीम, एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन फैसलाबाद की मरकजी बॉडी के चेयरमैन समीउर रहमान उर्फ काका पठान ने अपने डेरा ग्रीन टाउन में एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया। मरकजी सदर राना हसन अवैस की सरबराही में हमरा एग्जीक्यूटिव टीम जिनमें सरपरस्त दिलदार सिंधु, सीनियर नायब सदर आरिफ हुसैन शाह, नायब सदर शहबाज कमर मिनहास, जनरल सेक्रेटरी जाहिद हनीफ, जॉइंट सेक्रेटरी साबिर अशरफ, फाइनेंस सेक्रेटरी राना नदीम आफ्ताब नदीम, मीडिया सेक्रेटरी फेरोज सोलंगी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना मोहम्मद इलियास और एग्जीक्यूटिव मेंबरान में मियां मोहसिन शहजाद, अम्मार नदीम, उमर भट्ट, हम्माद भट्ट, जट अहमद राजपूत, मलिक कामरान, अजीम जट, मैडम सोबिया, उबैदुल्ला हबीब डोगर और दीगर मेंबरान की शिरकत। चेयरमैन काका पठान ने आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और तकरीब में शामिल मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी और तकरीब के शरका से अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके मज़लूमों का साथ और ज़ालिमों के सामने सीसा पिलाई की दीवार बनना होगा और सहाफत को जहाद समझ कर करना होगा। आखिर में अपनी तंजीम के मेहमान को दुआई कलमात के साथ आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सब दोस्तों को कहूँगा कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर हम आपस में इत्तेफाक होगा हमारा तो हमारा वजन होगा, जितना इत्तेफाक होगा उतना ही वजन होगा। बस इत्तेफाक रखे, आपस में एक दूसरे से प्यार रखे, रबते में रहे और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहे। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।